बताएंगे आप क्या है साजिद सर? वो बता रहे आगे में यजीद इतना बड़ा जुल्म करके अब भी इसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। यानी भाई बनी उमैया ने सबसे ज्यादा की कोशिश की है कि किसी तरीके से बिल्कुल छुपा के काम किया है, यानी लोगों को इस्लाम से दूर रखें, और अब भी वही काम हो रहा है। आप ये ख्याल न करेंगे बल्कि उनके हवारीन किस तरीके से सऊदीया का ये हालत है या और मुल्कों का जो हालत है, वो कोशिश यही होती है कि एक और लिबास पहना के इस्लाम को पेश किया जाए। लोगों को मैं लिखा वो जुमला मुझे याद आया कि ऐसे लोग जो है इस्लाम की बातें करते हैं कि उसको ये भी पता नहीं है कि इस्लाम सीन से लिखा जाता है या स्वाद से लिखा जाता है। तो ऐसे लोगों को इस्लाम मुसल्लत किया गया। ये बनी उमैया की खुद अपनी वो थी। अच्छा, ये पहला मस्जिद है कि जिसमें एक आदमी अल्लाह अकबर कहते हैं तो पीछे 10 आदमी उसके बाद कहते हैं अल्लाह अकबर। क्योंकि जब इमाम जैन अलाबिदीन ने खुतबा दिया था, उस खुतबे के बाद खुद यजीद ने इशारा किया कि लोग खड़े हो जाएं, अजान शुरू कर दें। टाइम ना होने के बावजूद भी, यानी ना था नमाज का टाइम नहीं था, खड़े हो के ताकि कोई आवाज़ ना सुने। वो सुन्नत अब भी इस मस्जिद में, किसी मस्जिद में इस तरह अजान नहीं होता। एक दिन मैं खुद गया, उनसे पूछा कि किसी और मस्जिद में इस तरह नहीं होता? कहते हैं हमारे जो अजदाद थे वो इस तरह अजान देते थे, हम भी वही अजान अब भी देते हैं। अभी अजान का जब टाइम हो जाए, एक कहते हैं अल्लाह अकबर, पीछे 10-15 आदमी कहते हैं अल्लाह अकबर। उनको तो इस जगह बीबियों को खड़ा किया गया था। मशहूर साथ है, उससे ज्यादा मशहूर तीन जंगे सलीबी तीन जंगों में मशहूर है। वो एक बाकायदा एक तारीख है और वो बात बाकायदा खड़ी है। फिर जो है यहूदियों ने सबसे बड़ा डंडोरा ये पीटा कि हमें जर्मनी से और फ्रांस से निकाला गया, और इसमें बाकायदा हिटलर का हाथ था, क्योंकि हिटलर को लाने वाले भी यही थे। इनको बाकायदा मकसद ये था कि वहाँ जानबूझ के यहूदियों में एक जंग शुरू की जाए ताकि लोग तंग हो जाए और ये इलाके छोड़े और अपने जो असल इलाके हैं उसमें पहुँच जाए। वो रशिलम रशिलम जो अक्सर उसको भूल गई।